हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता वाशनी और आप सबका स्वागत है दिया यूनिक स्टाइल चैनल पर। आज हम आपके साथ बैक टू बैक एक नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो देर किस बात की है, चलिए अपनी रेसिपी की तरफ। भगोने में हमने 3 गिलास 3.5 गिलास पानी कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा गर्म होने के लिए रखेंगे। बहुत सी लेडीज़ कभी कभी ये गलती कर देती हैं कि चाउमीन को वो ठंडे पानी में ही शुरुआत में ही डाल देती हैं उबलने के लिए। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। पानी थोड़ा बॉयल हो जाए, हल्का गर्म हो जाए, उसके बाद हमें अपनी चाउमीन उसमें डालनी है। अब इसमें हम तो डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने इसमें डाल दिया है, पानी बॉयल होने तक रुकेंगे, गैस की फ्लेम हाई रहने दें। मैंने यहाँ पर ये वाला चाउमीन का पाउच लिया है, आपको ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इतनी चाउमीन ले ली है, ये मैंने 2-3 लोगों के हिसाब से ली है, आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। और हाँ, मार्केट में एक गीली चाउमीन भी आती है, ये तो सूखी हुई है, वो गीली गीली टाइप की होती है, वो भी बहुत अच्छी बनती है, वो भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर ये वाली चाउमीन ली है और इसे ज़्यादा नहीं तोड़ना है। ज़्यादा तोड़ने से इसमें चाउमीन वाली फीलिंग नहीं आएगी। हमें इसके केवल ये जितनी लंबी होती है उसमें से केवल 2 पार्ट किए हैं मैंने। और अब इसे पानी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, हम चाउमीन इसमें डाल देंगे। हमें ये पूरी तरीके से नहीं उबालनी है। बहुत से लोग चाउमीन डाल कर उसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। हमें पहली बात तो इसे चलाते रहना है और दूसरी बात इसे पूरा 100% कुक नहीं करना है, हमें ये केवल 80% ही उबालनी है। ये थोड़ी कच्ची रह जाए इतनी ही उबालनी है। ये देखिए हमारी चाउमीन 80% बॉइल हो चुकी है। मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी मीडियम कर रखी थी। देखिए ये अधिक अच्छी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है, इससे ज़्यादा हम पकाएंगे इन्हें तो चिपकी चिपकी हो जाएंगी, इसलिए हमें इतना ही पकाना है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमें इसे इस तरीके से पकाना है कि टूटने में चिपके ना। देखो ये आराम से यूँ ही टूट के अलग हो रही है। देखो हम इसे उतार लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। हमने इन्हें गर्म पानी में से निकाल लिया है, हम इसे तुरंत ही ठंडे पानी से धोएंगे। अगर हम इन्हें नहीं धोएंगे तो ये चिपकी चिपकी रह जाएंगी और ये बनाने में अच्छी नहीं बनेंगी, इसलिए हमें ठंडे पानी से धोकर इन्हें निचोड़ने के लिए साइड से रख देना है और ये अच्छे से निचोड़ जाएँ। तो हम इसमें ऑयलिंग करेंगे, ऑयल का हाथ लगाएँगे। ये देखिए धुलने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। अगर हम इन्हें नहीं धोएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेंगी और ये बनने में नहीं आएंगी। चाउमीन का पानी बहुत अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे 2 चम्मच और रिफाइंड डालकर हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे। रिफाइंड लगाने से ये अगर बाई चांस चिपक भी नहीं होंगी तो रिफाइंड डालने से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और ये अच्छी खिली खिली बनेगी। सब्जियाँ 3 छोटी प्याज, पत्ता गोभी, 2 हरी मिर्च और 1 शिमला मिर्ची हमने धो ली है, इसके बीज निकाल दिए हैं। अब हम चॉपिंग करेंगे। यहाँ हमने चॉपिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हमने प्याज को काटा है, प्याज के लंबे लंबे स्लाइस कर दिए हैं और इनके स्लाइसों को खोल दिया था। उसके बाद शिमला मिर्च को भी हमने लंबे लंबे भागों में काट के रखा है। हमें इसी तरीके से इन्हें काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना। और हरी मिर्च को बारीकी से काटा है, बहुत ही ज़्यादा। पत्ता गोभी को इस तरीके से दबाकर काटना है जिससे इसके लंबे लंबे स्लाइस आसानी से कट जाएं। अगर दबाएंगे नहीं तो ये खिल जाएगा और मोटा मोटा कटेगा। इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उस तरीके से हैं। सब्जी की चॉपिंग मैंने आपको दिखाई दी है, बता दी है। अब मैं यहाँ लूँगी 1 रेड चिली फ्लेक्स का पाउच। मैं इसमें ये वाली चिली फ्लेक्स यूज करूँगी। 1 मैंने लिया है चाउमीन मसाले का पाउच। यहाँ पर मैंने लिए टॉप्स की डार्क सोया सॉस। 1 मैंने लिए टॉप्स का विनेगर। ये लिया है टॉप्स का स्नैक सॉस, टमाटो केचप।
जी हाँ, मैं ज़्यादातर चीज़ें टॉप्स की ही यूज करती हूँ। ये अच्छी रहती हैं खाने में, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने अदर एक बार एक अदर कंपनी की चीज़ यूज की थी जिससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं हमेशा टॉप्स के इनके के आइटम जो होते हैं वही यूज करती हूँ। टॉप्स कंपनी के आइटम बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम हाई है, गैस की फ्लेम हमें थोड़ी हाई ही रखनी है। इसमें मैं 2 चम्मच रिफाइंड का यूज़ करूँगी। हमारा तेल अच्छे से हो जाए, धुआं देने लगे, तब हम इसमें अपनी सब्जी को डालेंगे। तेल बहुत अच्छे से हो चुका है, हम इसमें डालते हैं सबसे पहले अपनी हरी मिर्च। मिर्च तेल इतने अच्छे से हो चुका है कि मिर्च डलते ही अच्छे से भून जाएंगे। अब हम डालेंगे प्याज। हमें इतने ज़्यादा सब्जियाँ नहीं पकानी है, थोड़ी कच्चे अच्छी सी रहने लगनी है। प्याज खुल जाएगी गर्म होके, देखिए हमारी प्याज लगी रेड हो चुकी है, लाइट पिंक। सरसों का पत्ता वो भी डालेंगे, हमने काट के धो के अलग रख लिया था। हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पर ही हमें सब्जियाँ पकानी है। लास्ट में हमने इसमें डालनी है सब्जियों में, इसमें इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है। मैं इसे बिल्कुल मार्के जैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल बनेंगी भी मार्के जैसी ही। अब इसमें डालें अपने मसाले, गैस की फ्लेम स्लो कर लें। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें चिली फ्लैक, फिर हम डालेंगे इसमें चावल मसाला। ये आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, चावल मसाला कैसे ले सकती हैं। इसमें डालूंगी मैं 1 ढक्कन सोया सॉस, 1 ढक्कन सोया विनेगर, 1 थोड़ी सी टमाटो केचप, 1 इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। नमक हमारा थोड़ा उसमें डल गया था, लेकिन हम वो नमक धनिया से निकल जाता है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें चाउमीन डालेंगे। यहाँ होता है सही स्ट्रगल, इसे मिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे चिमटे की मदद से भी मिला सकती हैं, 2 चम्मचें लेकर भी उसका हेल्प से इसे मिला सकती हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने भी सारी चावल इसमें डाल ली है और इसमें कुछ नहीं डालना, आप इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे एक साइड में पकी रहेंगी थोड़ी देर तक, ये अच्छे से निहारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो इसे चिमटे की मदद से, मैं आपको पता दिखाती हूँ, आप ऐसे भी अच्छे से मिक्स कर सकती हैं। देखिए हमारे बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनती रेडी है, जैसी आपको मार्केट में मिलती है। देखिए चाउमीन बनके बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। देखिए मैं इसे चिमटे की मदद से ही सर्व करूंगी।
देखिए हमारी बिल्कुल मार्केट स्टाइल चाउमीन बनके रेडी है, रेडी टू ईट है। तो आइए खाइए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।